ये पता नहीं किसने रखा है। अरे हमको नहीं पता दादी, ये तो इसको पता होगा। गंदा। ऐसे नहीं बोलते। सोचने की बात है कि इसे यहाँ रख के गया कौन, वो भी ऐसी अच्छी तरह से पैकिंग करके। कहीं आसमान से तो नहीं गिरा? पर आसमान से कैसे, क्या पता। ओ माँ जी, यहाँ बैठ के पंचायत चल रही है क्या? आज लगता है फैसला हो ही जाएगा। तुम भी आ जाओ। करो 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 बातें करो, फैसला आज ही कर लेना, लगे रहो। हम चले। उठ। पता नहीं कौन रख के गया। देखो अगर ये आसमान से गिरा है तो पक्का भगवान ने ही भेजा होगा। लेकिन जब सुअर का मांस कोई खाता नहीं है तो भगवान क्यों भेजेगा? अब तो आप इसे खा ही लो। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। अब देखो इसके साथ क्या क्या करता हूँ। ये तुम क्या लाए हो? आपके लिए ताजी ताजी मछली, बस अभी निकाली है। इसे आज ही बना के देखना, मजा आएगा। ऐसे रोज आते रहना, आओगे ना? जो दिया है एक बार खोल के तो देखो। अरे सुनती हो, क्या हुआ? आज का खाना बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, तुम रोटी बना लो, मैं अभी मछली काट के बना लेती हूँ। ये कौन लेके आया था? ये भी चचप्पन लेके आया है। हाँ हाँ। तुम अपना काम करो जल्दी से। अरे ओ मथई, चचप्पन को सबक सिखाना होगा। चचप्पन! पहले हुआ था क्या ये? ये हर रोज मेरे घर के आगे मेरा मजाक उड़ा के जाता है। इसने मेरे घर आके मछली की जगह सुअर का मांस दिया। मारो इसको। तो इस केस के लिए तुम लोग मेरे पास आए थे? मेरे पास इसके अलावा और भी काम है, दफा हो जाओ। लो आ गया, यहाँ लोग घर वापस जा रहे हैं और ये काम पे जा रहा है। इसे देखो आज भी लेट हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं निकल ही रहा था लेकिन तबीयत खराब हो गई थी। ईश्वर, इस बेटे की रक्षा करना। ये देखो काम पे न जाने का एक और बहाना। सुन ले, काम पे न जाना तो सिर्फ एक बहाना है, मैं अच्छे से जानती हूँ, वरना इसका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। आप ही समझाइए ना इसको, काम पे जाने के लिए मैं बहाने क्यों मारूंगा। गॉड ब्लेस हिम। अले ले ले ले, ये तो कभी भी बहाना बनाता ही नहीं है। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। क्यों बड़ी है अपने भाई के पीछे? मेरा बच्चा काम पे जा रहा है, उसे जाने दो। हाँ बेटा, अपना काम ध्यान से करना। तुम बस सर पे हाथ रखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। दीदी तुम भी मुझे विश करो, ये देखो मुझे बैंड का लेवल मिला है। हम घर चले माँ। हे ईश्वर, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कुछ भी हो जाए तो सब कुछ संभाल लेना आप। प्लीज ब्लेस मी। बैंड के कपड़े पहनने से क्या तुम्हें बजाना आ जाएगा क्या सुलेमान?
मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ पापा जैसा बनने के लिए। कुछ काम ही करना है तो चर्च में जाके करो। न्यू ईयर पे बैंड के लिए मैंने लोगों को चुन लिया है, तुम फिर कोशिश करना। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने बैंड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। उनको मत देखो, गिवर्गीज बैंड को बेहतर बनाना है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। देखिए, इस बैंड को सोलोमन की जरूरत है, सोलोमन ही इस बैंड का नाम रोशन कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस चर्च में 15 सालों से फादर के पद पे हूँ, इस दौरान मुझे कोई भी इस पद से हिला नहीं सका, आज तक मेरे कहने के खिलाफ कोई नहीं गया, इसमें तुम्हारा क्या कहना है? अब इसमें बोलने वाली क्या बात है, आप बताइए। संगीत तो इसके खून में है, अगर ये दूध का काम करते हुए भी चर्च के बैंड का हिस्सा बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये मत भूलिए, ये स्टीफन आशन का बेटा है। पिता के जीनियस होने से बेटा भी वैसा हो, वो भी अच्छा कलाकार बने, ये जरूरी नहीं। फिर भी देखते हैं, कुछ बजा के सुनाओ। इससे आवाज आती भी है या तुम्हें बजाना नहीं आ रहा? नहीं, वो क्या कुछ कहना है? मुझे बजाना आता है लेकिन। तो तुम क्या किसी नेवते का इंतजार कर रहे हो? बजाओ ना। बजाओ। मेरी बात मानो, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ दो, चर्च में आके कुछ काम कर सकते हो, जैसे साफ सफाई का काम। और हाँ, इस ड्रेस को और बैंड को यहीं छोड़ जाना, सुबह 5:30 बजे चर्च में पहुंच जाना, सुबह की घंटी बजाने के लिए। खाना बढ़िया बनाना, साथ में इंजीनियर साहब भी खाना खाएंगे। देखो क्या मजेदार आतिशबाजी हो रही है। मरे अम्मा, आपके हाथ का चिकन खा के बहुत समय हो गया। मरे अम्मा, हाथ में दो दो मुर्गे, ऐसा क्यों? ये इंजीनियर साहब के लिए है। आगे जाके तैयारी करो, हम आते हैं। आप तो इंजीनियर हैं, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आपके रहते हुए किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं है, आपको तो मैंने सारी जगह ही दिखा दी है। अभी ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मेरा काम मुझे अपनी तरह से निकलवाना आता है। समझा दिया मैंने इसको अच्छे से। अरे इंजीनियर साहब, अरे वो तो ऐसे मजाक करते रहते, आप आइए आइए। मुझे वही लगा। संभल के मच्छन, तुम सोलोमन को जानते हो? उसे तो बैंड से ही निकाल दिया। अब तो सोचने वाली बात यह है कि उस चर्च में वो सफाई कैसे करेगा, अपने पिता का नाम खराब कर दिया। अरे पापा, सोलोमन तो बहुत अच्छा बजाता है, बस सुनने के लिए अच्छे कान चाहिए। तुम्हें कैसे पता? आपको क्या, कटलेट खाओ। सच सच बताओ मुझे, तुम सोलोमन से मिलती हो ना? हाँ मिलती हूँ, आपको नहीं पता? ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? मुंह धुलाओ इसका। दिखा। तुम खाना खाओ, मैं उसे देखता हूँ। हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी से। कुछ नहीं होगा आपको। मेरे अम्मा, एक रोटी देना।
मेरा अरे, अब मैं क्या जल्दी चप्पल लेके आ। हाँ लाती हूँ। मम्मी तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ? इतनी जल्दी मैं ऊपर जाने वालों में से नहीं हूँ। तुझे मानना होगा मेरी एक्टिंग तुझसे लाख गुना बेहतर है कि नहीं? आप मजाक कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके फिर से खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। जाओ, आपको नाटक करने की क्या जरूरत है? जाओ जाके अपना काम करो। ये मुझे मरवाएगी। आप मजाक कर रही थी ना दादी? अब तो घर पे सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती हूँ सुलेमान। तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने तो कोशिश की थी बैंड में शामिल होने के लिए, लेकिन उस समय मैं बजा नहीं पाया। अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देती। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोचता नहीं हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने पिता की तरह, पर कर नहीं पाता कुछ भी। बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं, अब क्या तुझे बताऊँ? मेरे सामने तो तुम बहुत ही अच्छा बजाते हो, फिर सबके सामने बजाने में तुम्हें क्या परेशानी है? ओह, चाहे तो किसी और को ढूंढ लो, मुझसे मत मिलना अब। अगर ऐसे बात की ना तो सच में चली जाऊंगी। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मैं जैसे तैसे घर से यहाँ आती हूँ।